एसएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने आरोप लगा है कि मंदिर में 100 साल पुरानी परंपरा को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मुफ्ती इस्माइल के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक चुनाव में हार से सदमे में है और इसीलिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा दे रही है। दरअसल मुफ्ती इस्माइल ने सवाल उठाया कि सालों से मुस्लिम मंदिर के सामने से ही गुजरते आए हैं, तो अब मंदिर के सामने जाने से वो अपवित्र कैसे हो गया। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मंदिर के सामने उन्होंने धुनी नहीं दिखाई है, वो अंदर घुसे हैं, प्रवेश किया अंदर जाकर के और वहां से बकायदा एक वीडियो भी बनाया है। और ये वो प्रिमाइसेस था, मंदिर का वो हिस्सा था जहां पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का जाना ही अलाउड है। 100 साल से हो रहा था और मंदिर के सामने से ही वो लोग गुजरते थे। मंदिर कभी नापाक नहीं होता था, नजीस नहीं होता था। आज अगर उसकी शुद्धिकरण की जा रही है तो वो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इनके आने जाने की वजह से जो है मंदिर के जो है ना, मंदिर नापाक हो गया, नजीस हो गया, जबकि इस तरह के उनके धर्म में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ जो है देश के अंदर नफरत का माहौल, फिरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हो रहा था और मंदिर के सामने से ही वो लोग गुजरते थे। मंदिर कभी नापाक नहीं होता था, नजीस नहीं होता था। आज अगर उसकी शुद्धिकरण की जा रही है तो वो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इनके आने जाने की वजह से जो है मंदिर के जो है ना, मंदिर नापाक हो गया, नजीस हो गया, जबकि इस तरह के उनके धर्म में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ जो है देश के अंदर नफरत का माहौल, फिरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।